हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको काबली चना के छोले बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 3 प्याज काट के रख लिए हैं लंबे लंबे, 1 कटोरा फूला हुआ काबली चना है, मिर्चा पाउडर है, जीरा है, हल्दी है, मिर्चा है सूखा, तेज़पत्ता है, लहसुन पेस्ट है, गरम मसाला है, किचन किंग है, सरसों तेल है, पानी है, नमक है। चलिए शुरू करते हैं। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। इसमें हम काबली चना को डाल देंगे। काबली चना डालने के बाद प्याज को भी डाल देंगे और हल्का सा हल्दी पाउडर दे देंगे, हल्का सा, सिर्फ कलर आने के लिए, और हल्का नमक दे देंगे 1/2 चम्मच। फिर इसमें थोड़ा 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे। पानी डालकर फिर बंद कर देंगे और 4-5 सीटी तक इसको पकाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। पूरी, चावल, रोटी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। लग रहा है कुकर में। अब हम गैस को बंद कर देंगे। 4 सीटी हो चुका है, देखिए गैस इसमें का निकल चुका है। चार पांच सीटी में यह काबली चना हमारा पक चुका है और प्याज भी। तो अब हम कढ़ाई गैस पर चढ़ाएंगे और गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म करेंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम उसमें तेल डालेंगे। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें लाल मिर्च सूखा जो था सो, चुटकी भर हल्दी डाल दिए हैं, जीरा और तेज़पत्ता और लाल मिर्च जो सूखा हुआ वो डाल देंगे 2, और इसको पकाएंगे हल्का। हमारा हल्का पक चुका है। अब इसमें हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन का पेस्ट डालकर हल्का भूनेंगे। हल्का भूनने के बाद इसमें 1 चम्मच मिर्चा पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर दोनों डाल देंगे। इसमें नमक डाल देंगे। उसमें 1/2 नमक पहले उबालने में डाले थे और 1/2 नमक अभी मसाला में डाल देंगे स्वाद अनुसार। गैस का ताव मीडियम पर ही रखेंगे। अब इसमें हम किचन किंग डाल देंगे और थोड़ा चलाएंगे। देखिए मसाला हमारा भून रहा है। अब इसमें हम गरम मसाला था पाउडर वो भी डाल देंगे। ये सब डाल के हम इसको भूनेंगे। मसाला हमारा भून चुका है।
इसमें जो हम काबली चना उबाल के रखे थे, काबली चना और प्याज वाला, इसमें हम डाल देंगे और इसको चलाएंगे। देखिए तो 4 मिनट तक इसको हम चलाएंगे और इसमें अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसको ढक देंगे। गैस को कम कर देंगे ताकि गैस कम रहने पर अच्छे तरीके से पकता है। एक दो बार ऐसे ही चला देंगे 2-4 मिनट पर और ढक देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये काबली चना का छोला हमारा तैयार हो चुका है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। ये बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस प्रकार से बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर ये आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।